नमस्कार, चिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला पंचायत सीईओ अनुराग सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में आज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान के पहले दिन शहरी क्षेत्र में लगभग 2100 और ग्रामीण क्षेत्रों में 22,500 छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया गया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त अक्षित गढ़पाले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जे एस गोगिया, जिला शिक्षा अधिकारी आर एस बघेल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर पुष्पा सिंह, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रशांत कुमार, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, छात्राएं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज डिप्टी कलेक्टर आशाराम मेश्राम को जिले से आए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उपस्थित होकर त्वरित निराकरण के लिए 177 आवेदन दिए। आज जनसुनवाई में मुख्य रूप से आंखों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दिलाने, बिजली मीटर दिलाने, राष्ट्रीय परिवार सहायता दिलाने, भूधारक प्रमाण पत्र का विभाजन करने के संबंध में आवेदन मिले। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के प्रतिष्ठित समाजसेवी और कांग्रेस के नेता सुनील श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम कमलनाथ ने शोक संदेश में कहा है कि समाज सेवा के क्षेत्र में स्वर्गीय सुनील श्रीवास्तव का योगदान स्मरणीय रहेगा। अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों की अब जिले में शामत आ गई है। पुलिस द्वारा ऐसे लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। आज एसपी मनोज राय के निर्देशन में देहात पुलिस ने जुआफड़ पर दबिश देकर बावनताश के पत्तों के साथ 12 आरोपियों को हिरासत में लेकर 17,000 रुपए नकद बरामद किए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।